उत्तराखंड सरकार कोरोना की तीसरे वेव से लड़ने की तैयारी में लग गई है। रिम्स के मल्टी स्टोरेज पार्किंग में बने कोविड वार्ड को बच्चा वार्ड आईसीयू में बदला जा रहा है। इसकी क्षमता 330 बेड की होगी। रिम्स के पीडियाट्रिक और नियोन्ट्रल वार्ड के अलावा अतिरिक्त वार्ड स्थापित करने का फैसला लिया गया है। रिम्स प्रबंधन ने इसका खाका तैयार कर लिया है। मल्टी पार्किंग कोविड अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा रहा है। इससे ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति की जाएगी। बच्चों के आईसीयू में उपकरण भी मंगाए जा रहे हैं। 3 महीने में यह विंग तैयार हो जाएगा। बच्चों में मानसिक दबाव ना पड़े इसके लिए छोटा भीम, मिकी माउस, डोरेमोन की पेंटिंग की जाएगी। अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने सभी जिलों की डीसी को पत्र लिखकर जिला और प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने को कहा है। वार्ड में बच्चों के माता पिता के रहने की व्यवस्था भी होगी। आंगनबाड़ी की तरह वॉल थीम पेंटिंग भी कराई जाएगी। अस्पताल में प्ले एरिया भी होगा, साथ ही टीवी और अन्य सुविधाएं भी होंगी। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।